फुल रिव्यू वीडियो एट द एंड ऑफ दिस मेंडी डिजाइन। इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ये पिक अपलोड कर दूंगी। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी नूरुल हुदा एंड आई एम हियर विद न्यू वीडियो। सो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सो गाइस आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ज्वेलरी रिव्यू जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बाई करी है और मुझे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी लगी है कि मैं आप सबको कहूँगी कि अगर आप सब पाकिस्तान में हो तो आप सब ज़रूर परचेज़ करना, ज़रूर बाई करना और आपको ये इंशाल्लाह 100% ज़रूर पसंद आने वाली है। तो मैं जी आपको बताऊँगी और इसमें दो रिव्यू दूँगी क्योंकि एक जो है मैंने अपने लिए मंगवाया था और एक एज अ गिफ्ट मैंने अपनी मामा की बर्थडे के लिए मंगवाया था।
तो चले जी मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकिंग दिखा दूँ। ये देखें जी, ये इस तरीके से मुझे पार्सल जो है वो रिसीव हुआ था, मतलब वो TCS का जो है यहाँ पर था पहले ऊपर पैकेजिंग वगैरह ऊपर, तो वो मैंने हटा ली थी। तो इसके बाद जो है ये अंदर से इतना खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स छोटू सा जो है मुझे मिला था। तो इसको हम करते हैं ओपन, और इसके बाद जो है यहाँ पे जी है Rabs.rb कलेक्शन का यहाँ पर हमें कार्ड दिया गया है। गाइज़ ये Rabs का जो है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में जो है ना इनका इंस्टाग्राम जो हैंडल है ना वो मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से आप सब जाके चेकआउट करिएगा, ठीक है जी। ये यहाँ पर कार्ड है और हम इसको रख देते हैं यहाँ पर। इसके बाद यार जो मुझे सबसे प्यारी चीज़ लगी वो ये है, जो कि है जी आप गेस कर सकते हैं, ये नोज़ पिंस हैं। और ये चार नोज़ पिंस मुझे मिली और ये इतनी खूबसूरत है, मैंने अभी तक इनको नहीं खैर खोला, मैं इनको भी खोल के देखती हूँ, इनकी क्वालिटी चेक करते हैं। गाइस इतनी खूबसूरत, वैसे ये देखने में इतनी प्यारी लग रही है, छोटी छोटी सी। और अगर आप सबने मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी टिकटॉक वीडियोस वगैरह अगर आपने देखी हो तो आप सबको पता ही होगा कि मैं नोज़ पिन पहनना कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो सबसे पहली चीज़ तो ये इतनी खूबसूरत है, ये देखें, मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करी क्योंकि ये फोकस नहीं करा। इसमें चार स्टोन्स लगे हुए हैं और ये जो है नॉन पेयर्स यानी कि जिनकी नाक नहीं छिरी हुई वो भी आराम से पहन सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये है, और इसके बाद जो सेकंड नोज पिन है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। गाइस ये देखें, ये एक ट्विस्टेड वायर वाली गोल जो है वो नॉर्मल जो नोज रिंग होती है ये वो है, इसको हम जो है इस तरीके से ओपन करके फिर पहन सकते हैं। ये देखें इस तरीके से, और ये भी इतनी प्यारी सी है। और इसके अलावा एक ये वाली है नोज रिंग स्टोन वाली, तो ये जो है इसको हम यहाँ से फिर जो है खोलकर पहनेंगे। ये देखें, ये यहाँ से ऐसे, ये देखें यहाँ से ऐसे खोली जाएगी ये, और फिर जो है ये पहनी जाएंगी, ठीक है। ये दोनों इस तरीके से हैं, तो इनको मैं इसमें वापस रख दूँ कहीं ऐसा ना हो कि ये गुम हो जाए, क्योंकि इतनी छोटी छोटी सी हैं, ये बहुत नाजुक सी और इतनी प्यारी मुझे ये लगी। सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है ये चीज़ है, ये आर्टिकल मुझे बहुत पसंद आया, लिटरली मुझे बहुत पसंद आया, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा पहला हो गया। इसके बाद मैंने ये परचेज़ करा, ये देखें ये भी मैंने बाय करे और ये मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं। मैंने ये शुरू दिन से जो है मैंने आप कह लें मैंने ठान ली थी कि ये मुझे बाय करने ही हैं, हर हाल में मुझे बाय करने हैं। और गाइज मैं ये जो है आप देख रहे हैं इसमें क्वालिटी कैमरा में, और इसके अलावा जो मैंने ऑनलाइन पिक्चर यानी कि जो इनकी वेब इसके ऊपर वेबसाइट या आप इंस्टाग्राम हैंडल कह लें, इंस्टाग्राम हैंडल पर जो मैंने ये देखी थी ना सेम पिक्चर एज इट इज़ जो है मुझे वही चीज़ रिसीव हुई है। मतलब बाकी जो है अगर हम देखें तो अगर मेरी एक फ्रेंड ने बाई की थी तो उसको जो है इससे थोड़ा सा जो है वो डल कलर में मिला था, मतलब यहाँ पर पिंक की जगह पता नहीं कौन सा कलर था मुझे सही से याद नहीं, उसने किसी और जो है वो इंस्टाग्राम स्टोर से बाय किया था, बट ये मुझे एज इट इज़ सेम वैसा ही मिला है जैसा मुझे इंस्टाग्राम पिक्चर में दिखाया गया था। मैं एंड पे पूरी कोशिश करूँगी कि जो है ना मैं इसकी जो इंस्टाग्राम हैंडल वाली जो ओरिजिनल पिक्चर है ना जहाँ से मुझे ये पसंद आए थे उनकी पिक्चर मैं जो है ना लगा दूँगी एंड पे, तो आप लोग देख लीजिएगा कि इक्वल जो है एज इट इज़ सेम वही चीज़ मिली है मुझे। अब इसकी शाइन देख लें कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट, मतलब महसूस ही नहीं हो रहा कि हमने कुछ पहना हुआ है, ठीक है। आप देख लें कितने खूबसूरत हैं ये, ठीक है। इनको मैं सामने रख देती हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक और आर्टिकल जो कि इतना लाइट है कि पहने तो महसूस ही ना हो कि हमने कुछ पहना हुआ है। मैं इधर से आगे दिखाती हूँ, मेरा हाथ थक गया, तो इसको हम खोलते हैं जी। और गाइज ये देखें, ये इतना प्यारा आर्टिकल है, इतना प्यारा आर्टिकल है कि मैं क्या बताऊँ। इतने खूबसूरत मोती हैं, मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाती हूँ अगर थोड़ा फोकस कर सकें। ठीक है, मैं एक सेकंड आप वेट करें, मैं आपको ना माइक लगा के थोड़ा बात करती हूँ, हो सकता है कि मेरी आवाज़ सही से ना आ रही हो। सो गाइज हो सकता है आपको, आई होप आपको आवाज़ मेरी सही से आ रही हो। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ कि जो इसकी आवाज़ है ना वो मैं आपको सुनाती हूँ अब सही से। ये
इन दोनों की आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ये, और इसके अलावा ये बहुत लाइट वेट है और इनकी शाइन आप सब देखें कि कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने लाइट और इतने खूबसूरत जो है ये आर्टिकल है, इतना प्यारा कि बस मैं क्या बताऊँगी, मुझे बहुत पसंद आया ये। मैंने देखते ही जो है ना मैंने सोचा था इन दो के ऊपर, मतलब आप कह लेंगे दिल आ गया था, मैंने सोचा था कि मैं इनको परचेज़ करके ही रहूँगी, मैंने करना है। और गाइस जो प्राइस है ना वो मैं आपको हर किसी मतलब के ईच पीस की जो है ना मैं आपको ईच आर्टिकल की मैं प्राइस जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मैं, तो आप सब वहाँ से चेकआउट करिएगा कि मैंने जो है ये वाले झुमकास या स्लैश बाली आप कह सकते हैं, झुमका या बाली जो है मैंने कितने के परचेज़ करे हैं और ये वाले कितने के परचेज़ करें। अच्छा इसके अलावा मैं आपको इसके अलावा जो है मैं आपको दिखाती हूँ जी अपनी मम्मा का गिफ्ट, जो कि मैंने सरप्राइज़ रखा था, मम्मा को पता नहीं था इस बारे में कि मैंने ये उनके लिए परचेज़ करा है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतना छोटू सा क्यूट सा बॉक्स है, या पहले पैकेजिंग देखिए इतना प्यारा लग रहा है ये, ठीक हो गया जी इसको हम खोलते हैं, मैं आपको खोल के दिखा दूँगा गाइस, ये देखें तो ये जो है मैंने परचेज़ करे हैं जी स्पेशली अपनी मामा के लिए, इसे मैं कैमरा फोकस नहीं कर रहा, ओके सो गाइस ये मैंने अपनी मामा के लिए परचेज़ किया है। अब इनकी शाइन देखें कि कितनी प्यारे लग रहे हैं ये, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे, प्लस डिस्काउंट, मुझे डिस्काउंट के साथ ये मिले थे, सबसे पहली बात मेरा फर्स्ट ऑर्डर था उसके बावजूद मुझे डिस्काउंट मिला, और आप देखें कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और जो है मैं आपको इनको निकाल के दिखाती हूँ कि ये जो है इनके मतलब लुक वाइज ये कैसे हैं। अच्छा जी तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखें जी देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, सो एज यू कैन सी आप लोग इनके स्टोन की शाइन देखें और कितने प्यारे लग रहे हैं ये, मुझे तो ये पर्सनली ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। सो गाइज आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेहंदी का डिज़ाइन आप सबको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप सब ने ज़रूर बताना है, और अगर आप सब ट्राई करें तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आप सबको कहना चाहूँगी गाइज, जब भी मैं इंशाल्लाह इनमें से कोई भी चीज़ अगर ये मेरी मामा पहनेंगी तो मैं उनके साथ एक पिक्चर लेके इंस्टाग्राम पे जो है ज़रूर इंशाल्लाह डाल दूँगी। जब मैं ये वाले इयररिंग्स वेयर करूँगी तो भी मैं जो है इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ये पिक अपलोड कर दूँगी, या जो भी मैं वीडियो या कुछ भी बनाऊँगी तो मैं आपको ये दिखा दूँगी। इसके अलावा ये इनके साथ भी जो भी अगर मैं वीडियो या फिर पिक वगैरह लूँगी तो उसके अंदर भी जो है मैं rabs.com को भी टैग करूँगी, और साथ ही साथ आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। इसके अलावा ये नोज पिन भी अगर मैं पहनूंगी, और ये तो मैं अभी ट्राई करने वाली हूँ, मैं अभी पहन के इनको देखूंगी क्योंकि मेरे से वेट नहीं हो रहा, क्योंकि ये मैंने बहुत जो है ये बेसब्री से मुझे इनका इंतज़ार था, एक इसका और इन वाले का ना, ये और ये, इनका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, इसलिए जो है ये मैंने परचेज़ कर लिया। और गाइज आप सब शौक हो जाओगे कि ये टोटल जो प्राइस है ये तो मुझे गिफ्ट मिला था, इसकी तो प्राइस नहीं है, मुझे मतलब प्राइस के लिए मुझे गिफ्ट मिला था ये, और ये गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया लिटरली। अच्छा इसके अलावा मुझे जो है ये तीनों चीज़ें जो है ये पड़ी हैं 1100 रुपये की, ठीक है 1100 रुपये की मुझे टोटल चीज़ें पड़ी हैं, और ये इतने रीज़नेबल प्राइस है कि मैं अगर दो तीन चीज़ें जो है मैंने गाइस कुछ अपनी जो आपने ज्वेलरी वाला अगर मेरी लाइव सेशन देखा हो ना तो उसके अंदर जो मैंने चीज़ें परचेज़ की थी वो भी तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये तक का मेरा सामान वो आ गया था, वो भी काफ़ी कम ज्वेलरी मैंने परचेज़ की थी, उसके बावजूद इतना ज़्यादा बिल बन गया था। बट ये जो है ये इतने रीज़नेबल प्राइस में वो भी ऑनलाइन होते बहुत सस्ते मुझे पड़ गए, तो इनकी प्राइस जो है मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं बता रही, मैं इंशाल्लाह जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो चले जी मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, स्टे होम स्टे सेफ सेव लाइव, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।